इंडिया ने इंग्लैंड में जो झटका दिया इंग्लैंड को 434 रन का, इसमें 434 रन का मार्जिन ऑफ डिफीट। बेसबॉल अप्रोच गई किधर है इस वक्त? बेसबॉल की बात की आपने, हर जगह नहीं चलता। जिस तरह साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया को पिचेस मिली हैं या इंग्लैंड को भी पिछले टूर पर मिली है, तो ये 2 या 3 दिन से ज्यादा बेसबॉल चलनी नहीं थी। इंडिया ने इंग्लैंड को ह्यूमिलिएट कर दिया बिल्कुल, और 434 रन से जो है इंडिया ने मैच जीता है। दिस इज इंडियाज हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी विक्ट्री हुई है। और 434 रन्स की शिकस्त जो है वो कम से कम एक इनिंग और 200 रन्स की शिकस्त होती है, तो इंडिया बेसिकली ये मैच एक इनिंग से ज्यादा से जीता है। इंडिया मोर टफर टीम है, टफ टीम है इनके लिए। स्पिन में भी एक्चुअली उनके बैटर्स बहुत तेज खेल रहे हैं, उनसे ज्यादा तेज खेल रहे हैं। जयसवाल ने चेंज कर दिया, देखें अब 214 रन किए हैं, 12 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर किया वसीम अकरम साहब का, जो शेखुपुरा में अगेंस्ट जिम्बाब्वे बनाए थे, थकलैन के साथ पार्टनरशिप हुई थी, उसका रिकॉर्ड उन्होंने कर दिया बराबर। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस में उसने 2 डबल सेंचुरी बना दी है। भाई टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। टूट गया था जिस तरह से जयसवाल ने और सरफराज ने जो मतलब मार मारी इंग्लैंड बॉलर्स को, और दो ये यंगस्टर्स, आई मीन सरफराज अपना पहला टेस्ट खेल रहा है, जयसवाल अपना 6वां टेस्ट 7वां टेस्ट मेरे ख्याल से खेल रहा है, और जो जिस लेवल की बैटिंग दोनों ने की है, टैलेंट, ये टैलेंट होता है भाई। जयसवाल ने तो दूसरी इनिंग में तो पूरा जयसवाल को मतलब ऐसी की तैसी, पूरा मतलब उनकी आगे की क्रिकेट भी खा गया। नमस्कार दोस्तों, जय दोस्तों, कल भारत सिर्फ इंग्लैंड को हराया नहीं है बल्कि इंग्लैंड की जो बाजबल थी उसको बिल्कुल नंगा करके छोड़ दिया है, क्योंकि भारत कल इंग्लैंड को 434 रन से हराया है, जो कि इंडियन टेस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन से जीत है। तो समझ सकते हैं, और किसके खिलाफ जीता है, जो क्रिकेट को इन्वेंट किया था, मतलब जो क्रिकेट को बनाया था। और इंग्लैंड को इस तरह बुरी तरह से कोई भी आज तक नहीं ठोका होगा जिस तरीके से भारत ने ठोका है। शायद एशेज में भी इस तरीके के इंग्लैंड कभी मात खाया हो, लेकिन जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड को हराया, पूरी तरह से बाजबल को नेस्तनाबूद करके छोड़ दिया है। और इंग्लैंड की अब मुंह दिखाने की भी अब लायक नहीं रहा कि हम बास बॉल खेलेंगे इंडिया में जाकर। अब बेन स्टोक्स क्या बोलेंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, और मैकुलम वहां पर बैठ के भाई अपने मतलब छोटी वाली खाते में क्या लिखेंगे, कौन सा स्ट्रेटजी अब बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की बास बॉल की आपको अप्रोच थी वो तो बिल्कुल ही फेल हो गई। इसको लेकर राशिद लतीफ जमकर तारीफ कर रहा है भारतीय टीम की, तो चलिए देखते हैं। 434 रन का मार्जिन ऑफ डिफीट, बास बॉल अप्रोच गई किधर है इस वक्त? बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंबा टूर ना इंग्लैंड, चाहे वो एशिज का टूर करे, चाहे वो इंडिया का 5 टेस्ट मैच के करे, 1-2 मैच के बाद तो इनके डाउन द हिल नजर आता है। लेकिन बेसबॉल की बात की आपने, हर जगह नहीं चलता, और क्योंकि इंडिया आप जो आपकी सोच है कि 300-350 रन हम करेंगे, इंडिया उससे 150-200 ज्यादा ही करता है ना। पहला मैच ही 190 की लीड करके आप जीत गए, लेकिन वो 200 रन का मार्जिन आपके साथ रखा हुआ है, हैंडीकैप किया हुआ है आपको, तो मतलब ये है कि थोड़ा मुश्किल है। अभी तो पिचेस बनाई नहीं है इंडिया ने, तो बैटिंग पिच ये स्लो टर्निंग स्लो साइड पे पिच थी है। जिस तरह साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया को पिचेस मिली हैं या इंग्लैंड को भी पिछले टूर पे मिली है, तो ये 2 या 3 दिन से ज्यादा बेसबॉल चलनी नहीं थी। इंडिया मोर टफर टीम है, टफ टीम है इनके लिए। स्पिन में भी एक्चुअली उनके बैटर्स बहुत तेज खेल रहे हैं, उनसे ज्यादा तेज खेल रहे हैं। जयसवाल ने चेंज कर दिया, देखें अब 214 रन किए हैं, 12 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर किया वसीम अकरम साहब का, जो शेखुपुरा में अगेंस्ट जिम्बाब्वे बनाए थे, थकलैन के साथ पार्टनरशिप हुई थी, उसका रिकॉर्ड उन्होंने कर दिया बराबर। ठीक है ना, छक्कों पे रखा हुआ है पूरी दुनिया को इन्होंने, जिससे कि राजस्थान से भी खेले और फिर इंडिया से भी खेले। लेकिन जो फ्लो इनका है बहुत खूबसूरत है, इनका डिफेंस अच्छा है, इनके स्पिन पे अच्छे हैं, ये पेस पे अच्छे हैं, स्विंग का भी नहीं पता गया, स्विंग पे कितने अच्छे हैं वो बाहर जाके ही पता चलेगा। लेकिन अब तक देखा जाए तो अभी दुनिया में जितने न्यू टैलेंट आया है उसमें आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट है। के पतिदर की 48 की फर्स्ट क्लास एवरेज है, इनकी जो है 78 की है, सरफराज खान की 70 की है, तो मतलब इसका मतलब है कि इंडिया की जो रणजी ट्रॉफी है वो एक तगड़े ब्रांड प्रोड्यूस करती है, यानी कि कंपेटिटिव क्रिकेट है जो वहां से ये पाइपलाइन से आ रहा है। जो जो फर्स्ट क्लास से प्लेयर इंटरनेशनल में आता है ना, वो 60-62 की एवरेज से आता है, चाहे वो पुजारा हो जाए, चाहे वो रहाणे हो जाए, चाहे वो सरफराज हो गया या जयसवाल हो गया, ये बड़ी परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। ये बेसबॉल की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये वो ब्रांड है इंडिया के पास जो आ रहा है, ये वैसे ही खेल रहा है। सरफराज की बैटिंग देखें, 90+ के सबके अगर स्ट्राइक रेट आ रहे हैं तो ये खेल रहे हैं, ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तेज खेल रहे हैं। और इसी तरह हम इंग्लैंड का देखेंगे, इंग्लैंड का स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा नहीं होगा बनिस्बत के इंडिया के,
इंडिया ने ज्यादा अटैक किया हुआ इनके ऊपर। अच्छा भाईजान, इनका क्या करना है, जब वो सेंचुरी की जरूरत होती है वो 100 कर देते हैं, जब पंजा लगाना होता है वो पंजा लगा देते हैं, मतलब इनको करना क्या सर जी को? ठीक है, अश्विन नहीं थे और सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी, और आज के पिच जो था ना, चौथे दिन की पिच थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, और रफ पे अच्छी बॉल करते हैं, और पहले इनिंग्स में नंबर 5 पे गए और वहां पे जरूरत थी, 100 किया, अभी बैटिंग ही नहीं आई इनकी, तो बॉल मिली तो बॉल से 5 आउट कर दिए। चौथे पांचवें दिन बहुत डेंजरस बॉलर है। अगर जडेजा इंडिया में नहीं करेगा तो कहां करेगा? जडेजा ने तो आज उनके ताबूत में कील ठोकी, क्योंकि चौथी इनिंग, टेस्ट का चौथा दिन, तो जडेजा अगर वहां 5 आउट नहीं करता तो बेचारा कहां आउट करता। जायसवाल साहब की बात सबसे पहले होनी चाहिए, गिल ने 91 किया, बिल्कुल अच्छा किया, और ये जो पिछले मैच में डबल सेंचुरी बनाने के बाद जायसवाल ये बता रहे हैं कि मेरा हंगर अब तक खत्म नहीं हुआ, मुझ में वो भूख आज भी बरकरार है, आज भी बाकी है। बच्चे स्टार्ट किया सरफराज ने, जहां से उसने वो खुद को गिराया, सबसे पहले जो एक पॉइंट शॉट आपके जहन पे बैठ गया था कि यार ये बहुत तेज खेलते हैं, ये हारने से नहीं डरते, ये यूं है, ये यूं है, ये बैट बॉल है, इनके पास यूं है, ये करके आता है, वो करके आता है, सारा ये करके वो करके निकाला, क्योंकि दोनों बच्चों ने निकाल दिया आपको गेम में। जायसवाल ने एक बात, 434 रन की शिकस्त जो है वो कम से कम एक इनिंग और 200 रन की शिकस्त होती है, यानी अगर दूसरे लफ्जों में देखो तो आखिरी बारी में कोई भी टीम भारत में स्पिन हो रहा हो, जहां बॉल जहां बहुत शार्प टर्न होना शुरू हो गया हो, ऐसी कंडीशन में बहुत तीर मार के या 250 रन करेगी, तो इंडिया बेसिकली ये मैच एक इनिंग से ज्यादा से जीता है। और जीता क्यों है? क्योंकि जायसवाल, देखे रोहित शर्मा जब जब जायसवाल के साथ मैदान में उतरते हैं तो जायसवाल को उन्होंने एक लाइसेंस दिया हुआ है कि यार तुम अपना खेल खेलना, तुम्हें किसी का बाप टीम से नहीं निकाल सकता। और जब जायसवाल को और दूसरे नौजवानों को ये पता चल गया जयशाह के बयान के बाद कि रोहित शर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ही कप्तानी करेंगे और अब कोई ड्रामा फर्दर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसके बाद से कारकर्दगी देख लें, जरा ग्राफ देख लें आप पूरी टीम का, अब आप कहें तो इसमें विराट कोहली नहीं, इसमें राहुल भी नहीं है, इसमें अय्यर भी नहीं है, पर सरफराज ने ये मैसेज दे दिया कि भैया मैं देर आए दुरुस्त आए, कोई वो 35 साल का थोड़ी हो गया, 26 साल का वो लड़का है, उसने खड़े होकर परफॉर्म किया। जायसवाल आपको एक हंगर दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जब कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आता है तो भैया वो IPL के 50 रन लेके यहाँ पे 60 करके विकेट थ्रो नहीं कर रहा, वो बैक टू बैक डबल सेंचुरी बना के अशोर करके जा रहा है अथॉरिटी के साथ के भैया मैं इतना मेरी लगी हुई है, मेरी जवानी है। जायसवाल ने तो दूसरी इनिंग में तो पूरा जैस बॉल को मतलब ऐसी की तैसी पूरा मतलब उनकी आगे की क्रिकेट भी खा गया, जैसे बैन स्ट्रोक, जब तो बैन स्ट्रोक देखा कि हमारे पास चांस है, अबे चांस मात नहीं है, सारे चांसेस जितने थे ना तुम्हारे, जितने चूरन चट्टी चल रही थी, जितना तुमने डराया हुआ था, जितनी फनकारियां थी कि हम अबू धाबी जाके जनाब अपने नेट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, छुपके खेलेंगे, अबे देख लो छुपके खेलने वाले, मुंह छुपाने के भी लागे, 850 से शायद इंडिया ने रन मारे, 450 रन से इंडिया जीत गया। मतलब यार आप मुझे बताइए कहां का जैस बॉल, कौन सा जैस बॉल, कोई मतलब नहीं, अब जनाजे उठ गए ना बैट बॉल के, अब तो ये वाला कहां का जैस बॉल, कौन सा जैस बॉल, कैसा जैस बॉल यार, सारा बैट बॉल में डाल के उसने फला कर दिया उसको। अरे मामू के जो बेस्ट बॉलर है ना उनकी जो बजाई है वो कुलदीप ने बजाई है, क्वालिटी बॉलिंग, 13-14 ओवर उसने सांप सूंघा दिया उनका, ऐसी की तैसी कर दी, सिवाय रोकने के चांस ही नहीं था, जिसने बल्ला उठाया वो चला गया, कुछ प्रेशर ही छक्के मार रहा उसके करियर के आखिरी दिनों में, बजाय एंडरसन बढ़ाया उसकी चीथड़ा उड़ा दिया, एंडरसन का एहतराम करते हैं, मारा सुन के जायसवाल ने मारा, ये तुम्हारी ऐसी की 3-3 छक्के यार हैट्रिक है। अच्छा मैं इंडिया ने इंग्लैंड में जो झटका दिया इंग्लैंड को 434 रन का, इस पर इंडिया की जरूर बात करेंगे, इंडिया जीत गया, रोहित शर्मा ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया उसमें, उनके बारे में जितनी रोहित शर्मा ने कारकर्दगी नहीं, रोहित शर्मा के पास कुछ था ही नहीं इस टेस्ट मैच में, देखे विराट कोहली सीरीज से बाहर है, यंगस्टर्स लेके श्रेयस अय्यर भी नहीं है, KL राहुल अनफिट है, जडेजा फिट होके वापस आए, आज उन्होंने दूसरी इनिंग में पंजा लगाया है, नहीं जैसे हम कहते हैं मैन ऑफ द मैच ले उड़े, पर इंडिया के लिए इस वक्त तो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए हम अपने घर में अपने मोहल्ले में अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है फला क्वीन है, अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। बैक टू बैक दो टेस्ट मैचेस में उसने दो डबल सेंचुरी बना दी है, भाई टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पीछे मेहनत पूरी होगी, आपके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी होगी, उसकी तो कोई सोशल मीडिया टीम यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली, हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर, यार कहां है डबल सेंचुरी। आप देखें लीग क्रिकेट का मैच, आपका पाकिस्तान क्रिकेट का आई थिंक ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ओवर हाइप प्लेयर है आपके पिशावर जलमी के जो इस वक्त कप्तान है, इन्होंने इस तरह की लीग में भी आपको दो साल से आप अगर लीग क्रिकेट फॉलो कर रही हो ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी आपको हरवा रहे हैं यार। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे रसीद लतीफ और सारी पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा था भारत की इस बड़ी जीत को लेकर, और करना भी चाहिए क्योंकि ये जो जीत था ये बिना विराट कोहली के था
और यहाँ पर केएल राहुल नहीं थे, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो जीता भी है वो यंगस्टर ही है, और मतलब यहाँ पर ले लीजिए यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, फिर शुभमन गिल, ये सब तो यंगस्टर है। और इंग्लैंड की वहां पर देख लीजिए कौन सा स्टार वहां पर नहीं है, सब बड़े बड़े प्लेयर वहां पर है, लेकिन हमारे यंग प्लेयर जो है वो इंग्लैंड की बाजा बजा कर छोड़ दिए है। और जो मतलब बैच बॉल अर्थव्यवस्था उसके ऊपर चढ़कर बोला है जैस बॉल, आप जानते हैं जायसवाल की जैस बॉल, और जैस बॉल जिस तरीके से मतलब अब बोल रहा है उसके सामने कोई आंसर ही नहीं है। मतलब जब एंडरसन हैट्रिक छक्के खा रहे हो तो इंग्लैंड के बॉलर के पास जायसवाल का क्या आंसर है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जडेजा ने भी मतलब अच्छा खासा बॉलिंग करके कल इंग्लैंड को ये मजबूर कर दिया कि भाई कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर हमारे स्पिन ट्रैक के ऊपर हमको नहीं खेल सकता। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।